हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रैवल इन्फो विद हनीफ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय रेल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है, तो आइए जानते हैं ये ट्रेनों में सफ़र करने की क्या क्या शर्तें हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की लिस्ट भारतीय रेल ने जारी कर दी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों और अन्य लोगों को उनके राज्य पहुँचाया जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को श्रमिक ट्रेन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बड़े शहरों में नियुक्त नोडल ऑफिसर के यहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको क्या क्या करना ज़रूरी होगा, तो सबसे पहले आपको इसके लिए सहायता केंद्र यानी केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता केंद्र बनाया गया है प्रवासी मजदूर, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और तीर्थ यात्रियों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, ऐसे लोगों के लिए, तो उसके लिए आपको नज़दीकी नोडल ऑफिसर के यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नोडल ऑफिसर एक लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद ये लिस्ट रेलवे को भेजी जाएगी। स्टेशन पहुँचने के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और स्वस्थ पाए जाने पर ही आपको ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने के लिए अपने फेस को कवर करना ज़रूरी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन का प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी होगा। रेलवे ने सभी यात्रियों के लिए खाना, भोजन और पानी की व्यवस्था कर ली है। जब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी तो वहां फिर से स्क्रीनिंग की जाएंगी। अगर कोरोना वायरस के लक्षण मिलते हैं तो आपको क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, और अगर स्क्रीन में लक्षण नहीं मिलते तो आप अपने घर जा सकते हैं।